हेलो गाइस, महाकाल कृषि फार्म चैनल में आपका स्वागत है। एक और नई वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। और आज हम आए हमारे उस खेत पर जहां हमने पिछले ईयर धान बोई थी। तो हमने जो धान बोई थी उसमें हमारे लिए कुछ एवरेज ठीक नहीं लगे थे, तो इसलिए हमने क्यों ना विचार बनाया कि क्यों ना इसमें धान लगाई जाए। इस बार तो हम इस बार बोने की जगह लगा रहे हैं। हम धान लगवाएंगे लगभग 40 बीघा में। नपा तोला तो नहीं है, जमीन नपी तो नहीं है, क्या रहेगा कि 160 बीघा का एक अंदर एक ही प्लाट रहेगा। तो उस 160 बीघा में बिल्कुल बीच खेत में आएगा, मतलब वहाँ नमी रहती है, बहुत ज़्यादा नमी रहती है, गीला रहता है एकदम से, धान के लिए ही ठीक रहेगा वो। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ, इस दुनिया में पक्षियों का रहना इतना ही ज़रूरी है जितना कि इंसानों का। तो इस हमारे जहाँ गड़े बनवा रहे थे उसी खेत में जो अंडे रखे हुए थे एक पक्षी के, आप कमेंट करके बताइए कौन से पक्षी के अंडे हो सकते हैं। तो हमने उस जगह की, उस स्थान की हमने मट्टी नहीं खिंचवा रखी है, मतलब जो बाहर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से खाली खाली दिख रही है, यहाँ जो डली है जहाँ से वहाँ तक पूरी दिख रही है, मतलब दिख भी नहीं सकती कैमरा में, इतनी लंबी डली हुई है। तो और हमने उस जगह की छोड़ रखी है मिट्टी, उस जगह की मट्टी नहीं तानी है, क्योंकि हम इस साइड से तानेंगे मट्टी तो यहाँ रख देंगे, इस साइड से खींच के यहाँ रख देंगे। तो इनके क्यों ना हम बच्चे होकर ही उड़ जाएँ, हम तो यही दुआ करेंगे। बाकी हरी भोजी सागर भारी